देंगे, इस आईसी को कैसे चलाए? भाई हमारे पास तो ये आईसी है ही नहीं, इवन हमें तो इसका नंबर भी नहीं पता चल रहा, मान लो चलो। तो हम इस आईसी को मॉडिफाई करेंगे और इस आईसी को हम इस आईसी पर अपनी ही आईसी लगाएंगे। हेलो, इस आईसी पर अपनी आईसी। तो अपन इसको चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम एक बड़ी ऑडियो पीओ को एक छोटी ऑडियो पीओ से बदल सकते हैं। तो ये हमारे को अभी पता चल जाएगा। मुझे बताओ लाइव मॉडिफिकेशन इसका कौन कौन करेगा यहां जाकर? हेलो, और उसके बाद रात में एक लाइव सीपीयू फिर कौन कौन बनाएगा आज यहां पर? क्योंकि हमको ज्वाइन करना है सीपीयू कंपटीशन, समझ रहे हो मेरी बात? और हम इतने बार सीपीयू कर लेंगे कि हमारा स्किल उतने लायक हो जाएगा कि हमें कंपटीशन में बैठने लायक हो जाएंगे। हेलो, सी ना मिलने पर ये सेट को वापस कर देता। हेलो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लगा के देना है हमें, और तुम्हें सबको बताया कि हम किस तरीके से फिट करके देंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? और इस तरह के मॉडिफिकेशन से हम अपनी कितनी हजारों आईसी को बाईपास कर सकते हैं। हेलो, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो ज्यादा चतुर कोई कमेंट करे कि सर ये वाली नहीं होती। अरे हमें पता है कौन सी नहीं होगी और कौन सी होगी, ये हमें पता है ना। ये लूंगा मैं भी। सो हाँ, मैं देवेंद्र अग्रवाल, मेरे पास एक ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो का A54। सबसे पहले मैं इसे बताना चाहूँगा, इसका सीन ये है कि इसके अंदर रिंगर आईसी नहीं है। काम हुआ है देखा जाए तो थोड़ा बहुत, तो रिंगर आईसी नहीं है। मैटर ये है, अब ये रिंगर आईसी बदलने के लिए सेट आया था, बट प्रॉब्लम ये है रिंगर आईसी खो चुकी है। बट ये रिंगर आईसी इतनी एक्स्ट्रा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो किसी के पास होता नहीं है। ये कोई कॉमन नंबर की आईसी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये आईसी पर्टिकुलर हर सेट में लगी नहीं आती है। आओ सबसे पहले इस आईसी का नंबर जाने। तो इस आईसी का नंबर जानने के लिए हम दुनिया के, बोलो दुनिया के सबसे सबसे बेस्ट स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन करेंगे। हेलो, उसके ऊपर कोई भी बहस नहीं है, वो है बोर्नियो। बोलो कौन कौन बोर्नियो लेगा यहाँ पर, मुझे बताओ। उसके अलावा एक रुपए भी खर्च करना मत, क्योंकि जो अपडेट नहीं है उसमें क्या है का डाटा। हेलो, हाँ बोर्नियो में आपको इतना डाटा है, इतना डाटा है, आप टीचर बन जाओगे, ये बात मैं कहता हूँ। और ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2019 में पहला वीडियो बनाया था बोर्नियो पर, 20 में आई गैस जब आया था उससे पहले, क्योंकि लॉन्चिंग के शुरू में हम ही थे, बट भूल गए हमको लोग, चलेगा हमको कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसके जाएंगे ओप्पो का A54। तो हम यहाँ पर ओप्पो सीरीज में जाएंगे, ओप्पो तू यहाँ ना बैठ के वहाँ बैठ, वहाँ से तेरे को पूरा दिखेगा, वहाँ बैठ, ठीक है, तेरे को दिख तो रहा है ना पूरा ओप्पो। अब A54 में जाएंगे, देखो भाई A54, तो ये देखो, बट बोर्नियो यहाँ पर हम देखें, एक यहाँ फुटेज हमें सही नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने जो फोटो खींची वो यहाँ पर सही फुटेज के साथ नहीं है। तो मैं बोलूँगा ES Tech हो गए, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए, PrismaFix हो गए, उनमें भी आपको फुटेज नहीं मिलेगी। बट मैंने बोला बोर्नियो सबसे बेस्ट है भाई, वो नहीं दे रहा है, हाँ आईसी गायब कर दी उसने। तो एक्चुअली उसने जो आईसी की फोटो खींची उसमें आईसी थी नहीं। तो अब क्या करें सर, आप कैसे दूर है? अब दूरेंगे इसके बिटमैप से। A54 ओप्पो का हैंडसेट है, यहाँ पर इसका ऑडियो आईसी लगा है, हम इसका ऑडियो आईसी बजाएंगे। तो हम पहले इसका ऑडियो भी बजा लेते हैं कि भाई बज रहा है कि नहीं बज रहा, कहीं क्या पता कहीं तीसरी जगह लगाओ और मैं कुछ और ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लो इसमें बैटरी, अभी मैं इसको चार्जिंग से ऑन करके निकाल रहा हूँ, इससे भी हमारा फोन ऑन होता है। लो इसका रिंगर बजाओ, मतलब रिंगर में सेटिंग में जाना, खोलना, ठीक है। देखो जब तक वो रिंगर पे जा रहा है खोलना, पीछे कर, हाँ सेटिंग में जाना और रिंगर बजेगा। देखो सब लोग इधर देखो, जब वो बजाएंगे तब बजाएंगे। ये देखो ये इसका रिंगर आईसी लगा है। अब
ये है सो पैड, ये देखो ये डाटा कोई नहीं दे रहा भाई, सिर्फ वो बोर्नियो दे रहा है। ये देखो अब मुझे आप लोग बताओ, सबसे पहले क्या ये स्मार्ट पीए या ऑडियो पीए? बहुत आराम से देखकर बताना, स्मार्ट पीए की ऑडियो पीए बताओ। चलो फिर से बोलो, बताओ स्मार्ट पीए की ऑडियो पीए? हेलो, फिर से बताओ कौन सा पीए है? ऑडियो पीए। यहाँ पर ये ऑडियो पीए, ये कैसे, क्या ये दो बात की बात है? इस पर क्या क्या लाइन आ रही है जल्दी बताओ। INN कपलिंग कैपेसिटर, बोलो। देखो बज रहा है ऑडियो? नहीं बज रहा। देखो इधर पीछे पैक है, आवाज तुम्हारे तक आनी चाहिए, बजेगा तो भी तुम्हारे तक आएगा। रिंगटोन कुछ बज रहा है क्या? नहीं। इवन हम रिंगटोन में भी जाते हैं, कुछ बज रहा है क्या? नहीं। कोई वॉल्यूम का छेड़छाड़ नहीं है, नॉर्मल ऑन किया इनने, यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं बज रहा है। क्यों बजेगा भाई? आईसी नहीं है। हेलो, कहाँ से बच जाएगा? आईसी तो होनी चाहिए ना भाई मेरे पास। ये देखो, ये इसके चप्पल, हेलो, कॉइल लगे हुए हैं, आउटपुट स्पीकर पॉजिटिव, स्पीकर नेगेटिव। ये कपलिंग कपल्स, हेलो, कपलिंग कैप्स, यहाँ से ऑडियो से इसको फ्रिक्वेंसी आ रहा है, समझ रहे मेरी बात? इस आईसी को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर मैं बात करूं, आओ इस आईसी को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, अपन इसका डाटा बनाए और अपन अब क्या करेंगे, इस आईसी को कैसे चलाए? भाई हमारे पास तो ये आईसी है ही नहीं, इवन हमें तो इसका नंबर भी नहीं पता चल रहा, मान लो चलो, तो हम इस आईसी को मॉडिफाई करेंगे और इस आईसी को हम इस आईसी पर अपनी ही आईसी लगाएंगे। हेलो, इस आईसी पर अपनी आईसी, और हम ये किसी भी सेट में कर सकते हैं, समझो मेरी बात। उस सेट में, जिस सेट में हमने पढ़ा है क्या क्या, कि कौन से सेट में क्या होना चाहिए और कौन से सेट में क्या, ये हम वीडियो में नहीं ले रहे। हेलो, तो हम इस आईसी को मॉडिफाई करने से पहले इस आईसी को थोड़ा सा समझ लें, बोल बनाकर। आओ इधर आओ, चलो, क्योंकि भैया हमारे पास तो ये आईसी नहीं है, हम क्या करेंगे, तो हमें तो सेट वापस करना पड़ जाएगा और फिर बाद में हमें मिलेगा नॉलेज, नहीं साहब आईसी नहीं है क्या करें, तो हम नहीं चाहते। ये हमारा 54 है, तो हमने ये खोला, ये आईसी में हम पैड बनाएंगे, चार पैड इधर, टोटल 5, 20 बॉल का आईसी है, 3 अब डाटा खोलेंगे, इस आईसी को जूम करेंगे, इसका डायोड में आईसी ऑन बोर्ड भी देखेंगे, इससे हमें इसका जीआर भी मिल जाएगा, हमको चाहिए ही नहीं, पर अगर हमें नोज कट पॉइंट कुछ मिले तो हमारे लिए अच्छा है, बाकी हमको चाहिए नहीं, ठीक है। तो चलो, नहीं खुल रहा, हटाओ, हम इसको जूम करेंगे, अब हम इसको इनेबल करेंगे, सो पैड करेंगे, अब हमारा नोज कट पॉइंट हमें पता चल गया है, तो हमारा नोज कट पॉइंट है इधर, तो हम इधर नोज कट पॉइंट डालेंगे, तो अब क्योंकि इधर है हमारा नोज कट पॉइंट, तो इधर से हम ABCD चलाएंगे। हेलो, A1 B1 C1 D1 E1, समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये चलेगा, अगर इधर होता तो इधर चलाते ना मेरे भाई, इधर होगा तो इधर चलाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज, बोलो कैसा? एंटी क्लॉक वाइज। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे वोल्टेज, क्या डालेंगे? तो वोल्टेज के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो आ रहा है इसके अंदर D4, बोलो सिस्टम, कौन सा वोल्टेज आ रहा है? सिस्टम, तो D4, यहां पर वोल्टेज कौन सा आ रहा है? BPH, कितना वोल्टेज? 4, कौन सी आईसी से? DC to DC, ठीक है। तो भैया ये हो गया, अब इसको चलने के लिए चाहिए रिसेट, क्या चाहिए? रिसेट, ये आना चाहिए CPU से, कहां से आना चाहिए बताओ? ये देखो, ये आ रहा है CPU से, तो ये 1.8 के साथ आएगा, इसके अंदर 1.8 डिजिटल वाले नहीं है, ये डायरेक्ट रिसेट से चलता है, तो कौन से पैड पे आएगा ये भी देखो, तो रिसेट आ रहा है D3 पर, तो D3 पर ये वोल्टेज आना चाहिए, और ये वाला वोल्टेज किससे आएगा? CPU से। अब देखें, अब इसके अंदर कौन सा वोल्टेज और आ रहा है,
आ रहा है I2C, कौन सा आ रहा है? MD सर को बुला लो फोन करके। E4 और E3, SDA SCL, तो इस पर भी 1.8 आएगा ये बूट होने पर। तो ये है SDA और ये है SCL, 1.8 1.8। ये वाले 1.8 फोन क्या होने पर आएंगे? ऑन होने पर। ये वाला 1.8 कब आएगा जल्दी बताओ? हाँ जी। और ये वाला 1.8 खाली क्या लगकर आ जाएगा बताओ? बैटरी। इतना ये डिटेलिंग वोल्टेज की है। अब हम क्या चेक करेंगे? अब इसके बाद इनपुट हो गया, बोलो ग्राउंड, तो ग्राउंड हम चेक करेंगे। तो बोलो B4 B1 C4 C3 और D1। पहले बोलो B4 B1, ये ग्राउंड है ना भाई मेरे? और कौन सा C3 C4, और ग्राउंड कौन सा है चलिए बताओ? D1 D2। हाँ जी, चलो डन। अब हम चेक करेंगे कमांड। क्या चेक करेंगे? कमांड मतलब INP INN, बोलो। ये सारे देखो, ये कपलिंग कैपेसिटर से होते हुए ये आपके आ रहे हैं पावर IC से। कहां से आएंगे जल्दी बताओ? हाँ, क्योंकि ऑडियो IC आपकी पावर IC के अंदर है, CPU के अंदर नहीं है। तो A1 पे है E1 पे है INP, तो यहाँ तो ये हमारा INP और ये क्या है हमारा INN। और इन सबसे पहले रजिस्टर, फिर इनके बाद में क्या? कैपेसिटर। और ये IC किस IC के अंदर जाएगा जल्दी बताओ? और ये कपलिंग कैप से है, 15 नैनो फैराड, 33 नैनो फैराड, 0.068 पिको फैराड, सॉरी माइक्रो फैराड। इधर आपको आएगी फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी भी कब आएगी जल्दी बताओ? हाँ जी। अब क्या बचा इसके अंदर? ये सारे बोल आओ देखें। देखो मेरे भाई, ध्यान दो, बिना डायग्राम के ये बना रहे हम लोग। हेलो, आज तक कभी यूट्यूब में ऐसा बनाते हुए देखा है क्या किसी को? किसने देखा है कभी? ये पहली बार देख रहे हैं, बिना डायग्राम बिना स्कीमेटिक्स के खाली पैडों की डिटेल से बना रहे। अब इसके बाद अब हम जाएंगे आउटपुट में। EN सिग्नल आता नहीं है, EN को रिसेट ही बोला गया है। VOP और VON ये हमारी चप्पल के साथ है, A1 और C1 ये हमारा आउटपुट है। ये कॉइल ये हो गया स्पीकर पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? स्पीकर नेगेटिव। अब क्या बचा? अब बचा है प्रोटोकॉल। क्या बचा है जल्दी बताओ? प्रोटोकॉल। इसके साथ एक कॉइल भी लगाया गया है। पहले ये वाला देखो, ये है आपने क्या बोलते हैं रेफरेंस कैपेसिटर। कौन से है जल्दी बताओ? रेफरेंस कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है इनके साथ। और इस पर हम लिख सकते हैं वी रेफरेंस। क्या लिख सकते हैं बताओ? वी रेफरेंस, ठीक है, हीटिंग कैप्स। अब इसके बाद में ये दो है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, एक कॉइल भी लगाया है। उस कॉइल को एक ओर से उन्होंने जोड़ा है BPS से, और एक ओर से उन्होंने जोड़ा है इन दो में से किसी एक पैड से फॉर स्विचिंग। ये देखो, ये वाला कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर है, मतलब फ्लाइंग कैपेसिटर, ये लगा है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को बना दिया स्विचिंग और इसको जोड़ दिया कॉइल से, और इस कॉइल के साथ एक कैप्स जोड़ा और इस कॉम्पोनेंट के साथ जोड़ा है, ठीक है। ये बेसिकली एक 4 वोल्ट से साथ जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर ये OL पैड के साथ है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, हमको रिक्वायर्ड ही नहीं। तो ये टोटल आपका बन जाता है A54 का पूरा डाटा सीट। अभी ये कहीं भी आए ना तो यही अप्लाई होगा। हमको क्या क्या चेक करना है? रिसेट जरूरी है, नहीं आएगा तो IC काम नहीं करेगा, ये नहीं आएगा तो IC काम नहीं करेगा, ये दोनों नहीं आया तो IC बूट के टाइम पे काम नहीं करेगा, बाद में काम करेगा। I2C को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है, बूटिंग के बाद काम करेगा। ये नहीं आया तो IC काम करेगा, वोल्टेज सब निकालेगा पर आवाज़ नहीं आएगा। और ये नहीं आया तो IC कुछ भी नहीं करेगा, GR भी नहीं निकालेगा। अब हमारे पास ये IC नहीं है, अब हम इसकी जगह पर अपनी खुद की IC लगाएंगे। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? चलो आओ। अभी हमने समझाने के प्रैक्टिकल के लिए IC को जो लगाएंगे वो कस्टमर को देने हिसाब से नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब कस्टमर को देने के हिसाब से लगाएंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे,
यूवी ग्लू लगाएंगे ये वे, अभी तो हम अपना आउटपुट निकालने के लिए लगाएंगे। तो अनिल कहाँ है भाई? ये है, मिल गया। देखो हम इस आईसी की जगह पर ये लगाएंगे। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आईसी भी उतार सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल सब, मैंने इतना सिरा काट दिया है, समझ में आ रहा है मेरी बात? कटल लिया इतना सिरा काट दिया है ताकि मुझे अभी ये बताने के लिए, अब मुझे आईसी के अंदर जंपर नहीं मारने, आईसी के बाहर पैडों पर क्या मारने हैं, जंपर। तो हम किन किन जंपरों से इस एम्पलीफायर को हमारी एम्पलीफायर के साथ मैच करें तो गाना बज जाए, कि हमारे को रिसेट और आई टू सी और इन सब की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों ही आईसी डिफरेंट है। ये आई टू सी 14-15 बॉल का है, वो 20 बॉल का है, ये करके। चलो देखो हमने इसका पूरा डिटेल लिया है कि नहीं लिया है, बताओ। yes, किस किस ने लिया है, जल्दी बताओ इसका पूरा डिटेल। yes, देखो आईसी लगा लिया है इसके अंदर, मॉडिफिकेशन कर लिया हमने, ठीक है। तो हम इस आईसी को चेक करेंगे और हमने ये आप देख सकते हैं, ये आईसी हमारा मॉडिफिकेशन है, हमारा आईसी निकला हुआ है ऑडियो, और अभी हमने ये आईसी लगाया। फिर से बता दे रहे हैं कौन कौन से जंपर लगाए हैं, कोई अलग नहीं है, बोलो। वीओपी वीओएन ईएन और वीडीडी 4 वोल्ट का, और हमने लगाया है हमारा आईएनपी आईएनएन और एक ग्राउंड, ताकि पूरे बोर्ड में ग्राउंड मिल जावे, यहाँ जहाँ जहाँ ग्राउंड है वहाँ, कहाँ जम कहाँ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस कैप कि वहाँ का रेफरेंस यहाँ को भी दे रहे हो, जरूरी नहीं है। फ्लाइंग कैप्स, फ्लाइंग कैप्स तो कहीं दे ही नहीं सकते क्योंकि वो आईसी के अंदर से है। तो अपन इसको चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम एक बड़ी ऑडियो पीओ को एक छोटी ऑडियो पीओ से बदल सकते हैं, तो ये हमारे को अभी पता चल जाएगा इधर प्रैक्टिकली। मैं हमेशा बोलता हूं, एसर डेली को हमेशा बोलता है कि हमारा ऑडियो सेक्शन 100% बनता है, 100% ऑडियो सेक्शन, इसका डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड लाइन के साथ है। सीधा रिंगर बजाएंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, आज ऑडियो सेक्शन किस किस को अच्छा लगा बताइए, डीप लेवल पे किस किस को समझ में आया ऑडियो सेक्शन, पक्का? आज हमने फुल एक ऑडियो आईसी के प्रोटोकॉल समझे, हेलो। एक रजिस्टर, एक कॉइल, एक कपलिंग कैपेसिटर, एक फ्लाइंग कैपेसिटर, आज हमने बहुत सारी आईसी को पढ़ा, समझ रहे मेरी बात? एक डाटा दिखाओ आईसी का अपना, जो आप लोग ने बनाया, आपने एक आईसी का डाटा भी बनाया, मुझे बताओ ये डाटा क्या छाप के बनाया या समझ के बनाया? पूरा प्रैक्टिकल यहाँ बताया एक एक पैड के साथ। अब मुझे बताओ लाइव मॉडिफिकेशन इसका कौन कौन करेगा यहाँ जाकर, हेलो? और उसके बाद रात में एक लाइव सीपीयू फिर कौन कौन बनाएगा आज यहाँ पर?
क्योंकि हमको ज्वाइन करना है सीपीयू कंपटीशन, समझो मेरी बात, और हम इतने बार सीपीयू कर लेंगे कि हमारा स्किल उतने लायक हो जाएगा कि हमें कंपटीशन में बैठने लायक हो जाएंगे। हेलो, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो इसमें नोटिफिकेशन भी आएगा, मतलब अगर हम यहां बात करें ठीक है, देखो अगर हम यही नहीं खाली छोटे छोटे नोटिफिक, ये हमारा रिंगटोन हो गया, सेम वॉल्यूम जितनी उसकी बस्ती है एक आईसी के साथ। अब देखो यहां हमने, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी और के पास ये होता तो वो ये आईसी ना मिलने पर ये सेट को वापस कर देता। हेलो, यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लगा के देना है, हमें और तुम्हें सबको बताया कि हम किस तरीके से फिट करके देंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, और इस तरह के मॉडिफिकेशन से हम अपनी कितनी हजारों आईसी को बाईपास कर सकते हैं। हेलो, yes, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो ज्यादा चतुर कोई कमेंट करे कि सर ये वाली नहीं होती, अरे हमें पता है कौन सी नहीं होगी और कौन सी होगी। yes, ये हमें पता है ना। yes, हम वीडियो में ये बताना नहीं चाहते कौन सी होगी कौन सी नहीं, इतना बता दिया इंडिया वालों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इंडिया में पहला रहेगा जहां हमने विदाउट मॉस्फेट हीट कंट्रोलर फ्लाइंग कैप्स विद एवरीथिंग, हमने एक छोटी सी पीसीबी डाली है जिसको हम कहीं पर भी रख के अपना बिल्कुल बन कर सकते हैं, प्रॉपर यूवी ग्लू के साथ एक प्रॉपर जंपर के साथ इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो रहा हमारा एसर टेलीकॉम की तरफ से, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो अच्छा काम करना, अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि यार सही जगह जाना है, अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। आईफोन चलाते हो ना, बड़ा महंगा मोबाइल, वीवो का भी मोबाइल है तो भी 50-60 हजार का, तो फिर इंस्टीट्यूट क्यों 10-20 हजार का, एजुकेशन क्यों इतनी लो? इतना ये एशिया टेलीकॉम बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू है ना सीपीयू, तो किसके कौन कौन लगा के बैठा है यहाँ? सभी लगा के बैठे। तो हाँ दोस्तों, अगर आपका टीचर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका संदेश का जवाब नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है ये संदेश आपको सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक इंस्टीट्यूट चलाने का अलग बात है, बट अपने साथ लोगों को सपोर्ट करना एक अलग बात है, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। संदेश सुनिए, ये आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूं, 28 दिसंबर बैच 2022 का, मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं अपनी पर्सनल लैब में हूं अभी, और अभी रात का समय जो हुआ है वो समथिंग हो चुका है 3:20, जो कि मैं अपनी लैब में बैठा हूं। मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा सर्टिफिकेट है 28 दिसंबर बैच। सबसे पहले मैं अपनी आप लैब दिखाता हूँ, मैं अपना पूरा लैब दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा पूरा लैब है, ये मेरा छोटा सा सेटअप लगा रखा है मैंने, आज हमारे पास है रेडमी का नोट 7 प्रो, जो कि एक अजीब प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेट को क्या है कि जब भी रिस्टार्ट करते हैं तो 30 सेकंड के समथिंग इसमें नेटवर्क आएंगे, सब कुछ होगा, और 30 सेकंड बाद ये नो सर्विस में चला जाएगा सेट। तो देखिए मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको, देखिए अभी इसमें सिम भी नहीं आ रहा है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, ये नो सर्विस पे आया, जियो पे आ गया, और अभी ये नेटवर्क चला जाएगा इसमें, ये वोल्टी भी आ गया, और अभी देखो इसमें एक एरर आएगा थोड़ी ही देर में। पुअर जहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो यार एक बार सीनियर से पढ़ो, एक बार उन टेक्नीशियन से, उन टीचरों से पढ़ो जिन्होंने इनको पढ़ाया है। तो आ जाओ, मौका दे रहा हूँ मैं इस टेलीकॉम का, 28 अक्टूबर की स्पेशल बैच सीपी कंपटीशन खेलेंगे, माइक्रोस्कोप जीतेंगे, 4G 5G का एंड्रॉइड अपडेटेड कोर्स लेके जाएंगे, आईफोन का 6 से लेकर 14 प्रो मैक्स का कोर्स लेके जाएंगे, प्लस सारे टीचरों का नंबर लेकर जाएंगे। यहाँ हम टीचर ऐसे नहीं है, बहुत प्रीमियम, हम कोई बड़ा घुमावा की औलाद नहीं है, हम आपके साथ बात करेंगे, और 2030 में भी आपको फ्री में अपडेट देंगे, हर 3 महीने के बाद हर महीने 2 दिन की अपडेटेड क्लासेस फ्री रहेंगी। इसे टेलीकॉम में आने का आपका रास्ता खुला रहेगा, आप इसे टेलीकॉम के अपने नाना नानी का घर समझ लेना, ध्यान देना, इसे टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल।
दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक। तीसरा दिन है, कौन सा दिन है? तीसरा दिन है और मेरे साथ स्टूडेंट सारे लाइव है और उनके हाथों में कुछ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है भाई? मदरबोर्ड है? सबके पास आन मदरबोर्ड है? क्या करने वाले हैं आप? लाइव फोन से पावर आईसी। तीसरा दिन मतलब पावर, किस किसने डन किया? पावर डन सबने। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी? सीपीयू माउंट रिबाउंड किस किसने करा है? सबने किया है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से, एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी, जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ मेरे आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट में सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। ठीक, महाराष्ट्र से हूँ। ओके, हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब, मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके, सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है, मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, क्लिपिंग हो जाए सर के लिए। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से। सो हाय दोस्तों, मैं देवेंद्र अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप 30 से 14 दिन में आपने CPU EMMC पावर सब लगा कर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली CPU लगाए, ताकि आपको
आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहां पे आपको डीप लेवल की चोरी मिले, जहां पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी है, जो सीपीयू चेंज इन सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एसर टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000731192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।